हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको चाक कैसे फोल्ड करते हैं ये बताने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि हम सूट के साइड्स में जो कपड़ा होता है उसको कैसे मोड़ते हैं, चाक को कैसे फोल्ड करते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये पहले से ही कुर्ती को बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर लिया है और साइड की जो फिटिंग होती है हमारी वो हमने लगा ली है। अब केवल हमें ये अपने साइड के चाक मोड़ने हैं और नीचे से इस वाले पार्ट को भी हमें मोड़ना है। और इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने ये वाले नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है विद पिंटेक्स, तो बहुत ही खूबसूरत ये कुर्ती बनकर रेडी हुई थी और इसकी स्लीव्स पर भी सेम ही डिज़ाइन बनाया था मैंने। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है कि हमने कैसे नेक डिज़ाइन बनाया है तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, या फिर इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले हमें ये बॉटम्स को फोल्ड करना है। काफ़ी लोग क्या होता है कि सबसे पहले इसको फोल्ड कर देते हैं, जो हमारी साइड्स हैं इसको फोल्ड कर देते हैं और बाद में इसको मोड़ते हैं, तो इससे इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो पहले आपको क्या करना है, जो आपका दामन है इसको आपको फोल्ड करना है। यहाँ पर कटिंग करते वक्त हम इस तरीके से कट लगाते हैं कि हमें कितनी लंबाई रखते हुए अपने दामन को मोड़ना है, फोल्ड करना है। ये देखिए, सबसे पहले कपड़े को आप आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जहां पर आपने देखिए कट लगा रखा है वहां तक आपको ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है। ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला, ये थोड़ा चौड़ा मोड़ा जाता है और साइड वाला, ये वाला हमें थोड़ा सा पतला मोड़ना होता है। इन पर हमें तुरपाई करनी होती है। यहाँ पर हम बड़े टाके से सिलाई लगाते हैं और बाद में तुरपाई करके इस वाली सिलाई को खोल देते हैं। तो जो नीचे वाला पार्ट है इसको चौड़ा मोड़ेंगे और साइड्स वाली जो हमारी स्लिट्स हैं चाक को हम पतला मोड़ेंगे। इसलिए हम नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़ा रखते हैं और साइड में कटिंग करते वक्त कम कपड़ा रखते हैं। तो पहले आपको इस तरीके से आधे कपड़े को फोल्ड करना है और उसके बाद में जहाँ पर आपने कट लगाया हुआ है वहाँ तक आपको ऐसे फोल्ड करना है। आप इसकी चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग 1 इंच 2 इंच रख सकते हैं, बट ये ज़्यादातर हमारी 2 इंच यहाँ पर रखनी होती है हमें। तो इस तरीके से मैंने ये अपने फोल्ड तक, ये जहाँ पर हमने कट लगा रखा था यहाँ तक फोल्ड कर लिया है और सिलाई को भी हमने बड़ा कर लिया है। पूरे को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे, ऊपर से करीब एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई सेंटर तक सिलाई हमने लगा ली है। अब दूसरे कट तक देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे पूरा और बिल्कुल सीधा करेंगे कपड़े को। ये इस तरीके से आपको बिल्कुल सीधा करना है कपड़ा और यहाँ से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाइए और सीधी सिलाई लगा लेंगे। एक साइड का ये बॉटम हमारा बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो चुका है और ये देखें बिल्कुल सीधा लग रहा है, ये हमारा बिल्कुल सीधा आया है। एक ट्रिक और है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ आगे वाले पार्ट की तरफ। तो देखें, इसमें भी बिल्कुल शुरुआत में हमें सेम ही रखना है कपड़े को। हमें जो हमारा कट है ये यहाँ तक हमने कट लगाया हुआ है, तो इस कट को बिल्कुल सीधा करेंगे और दूसरे कट तक इस कट को भी बिल्कुल ऐसे मोड़ लेंगे। बिल्कुल सीधा पकड़ लीजिए, ये देखिए, ये जो हमारी मशीन का ये होता है ये वाला पार्ट, इस पर भी आप ऐसे भी इसको रगड़ सकते हैं जिससे कि क्रिच लाइन बन जाएगी और इजी रहेगा आपको ये अपने दामन फोल्ड करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे आपको पूरे को प्रेस की तरह कर लेना है और ये देखें यहाँ पर आपको एक लाइन मिल जाएगी। ये हमारी इस तरीके की एक लाइन आ गई है, तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी ये आपकी। तो अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस तरीके से इसको फोल्ड कर सकते हैं और बिल्कुल सीधा आएगा आपका, क्योंकि काफी बार क्या होता है बीच सेंटर से उठ जाता है और बीच सेंटर से काफी बार नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर लीजिए कपड़ा। अब ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमें इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पर हम 2 इंच चौड़ाई रखते हुए चल रहे हैं, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये वाला पार्ट हमारा सीधा हो ही चुका है, तो आपको किसी बात की परेशानी नहीं है। तो ये देखिए,
गया, हमारा फ्रंट वाला पार्ट भी बिल्कुल बराबरी से आ गया है और ये हमारा बैक वाला पार्ट भी बिल्कुल इस तरीके से स्टिच हो गया। ये हमारे दो आसान तरीके थे। अब हम ये साइड की चाक मोड़ेंगे। तो देखिए, इसको भी फोल्ड करने की मैं आपको दो आसान तरीके बता देती हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं फोल्ड करती हूँ वैसे दिखाती हूँ, उससे जल्दी भी हो जाता है और काम भी आसान हो जाता है। देखिए, फ्रंट वाले पार्ट को हमने अच्छे से बिल्कुल बिछा लिया है। सबसे पहले इसको आप बीच में से फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, क्योंकि हम फोल्ड करके ही कपड़े की कटिंग करते हैं, इसलिए इसको फोल्ड करके हमें निशान लगाना है अपने दामन का। तो दामन हमें यहाँ पर तैयार चाहिए 10.5 इंच, यानी कि हमारा आएगा करीब 21 इंच। तो यहाँ पर आप एक निशान लगा लीजिए और ऐसा ही निशान हम पीछे वाली साइड की तरफ पे भी लगा लेंगे। वैसे ये जब हम कटिंग करते हैं तो भी यहाँ पर एक निशान लगता है, बट अगर आपका निशान मिट गया है तो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप पहले नाप लीजिए, दोनों साइड पर निशान लगा लीजिए और अपने बैक वाले पल्ले पे भी आपको ऐसे ही निशान लगा लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी निशान लगे हुए थे, तो हम इस निशान को थोड़ा और गहरा कर लेंगे और इस साइड भी हमने निशान बना लिए। अब हमारे चारों साइड्स पर इस तरीके के निशान लग गए हैं। इससे क्या होता है, हमारे चारों साइड्स बिल्कुल बराबर आते हैं, कहीं से भी छोटा और बड़ा नहीं आता। अब देखिए, जहां पर हमने निशान लगाया है वहां पर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे हम बिल्कुल निशान पर। ये देखें, ये हमारा निशान है, इस पर बिल्कुल आपको फोल्ड करना है और यहां से भी बिल्कुल इसको आप सीधा कर लीजिए। पहले तो बिल्कुल अच्छे से सीधा कर लेंगे। ये आपका चाक वाला पार्ट है, यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से इसको सीधा करना है और हाथ से ही इस तरीके से आप दबा लीजिए। अब ये जो हमारा बाहर वाला कपड़ा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ऐसे आपको फोल्ड करना है। इससे क्या होगा, बिल्कुल बराबर चाक फोल्ड होंगे और अब पूरा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड। अब यहां पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट हमारा पतला होता है और ये वाला पार्ट हमें चौड़ा रखना होता है, तो अभी पतले वाले पार्ट को फोल्ड करते हुए यहां पर सिलाई लगाएंगे। यहां तक सिलाई लगाने के बाद अब इसको बिल्कुल अच्छे से सीधा कर लीजिए। अब पूरे कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ये देखिए, बिल्कुल सीधा आपका यहां पर एक निशान बनना चाहिए। अगर आपको सीधा नहीं लगता है तो आप दोबारा से खोलकर दोबारा से इसको बैठा लीजिए। यहां पर अब हम सिलाई लगाएंगे। ये आपका चाक वाला पार्ट है जहां पर हमारी हिप आती है। तो काफी बार क्या होता है, ये वाला कपड़ा हमारा इसके नीचे दब जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हमेशा इस कपड़े को साफ करके रखिए और ये वाले पार्ट को भी बिल्कुल क्लीन करके रखिए और इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, तभी आपकी जो चाक है और ये साइड स्लिट्स में अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो हमने यहां तक फोल्ड कर लिया। अब देखिए, सुई हमारी कपड़े के अंदर ही है, यानी कि नीचे की तरफ ही है। बूट को ऊपर उठाएंगे और कपड़े को आपको इस तरीके से घुमा लेना है और यहीं से ही हम अपनी दूसरी वाली चाक की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो मैं इस तरीके से हमेशा सिलाई लगाती हूँ और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो सेम ऐसे ही कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड किया हमने। ये देखिए, अभी हमारा ऐसे हो रहा था, ये यहाँ पर हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा था, बट इसको आपको ऐसे सीधा कर लेना है। नीचे की तरफ आपको दबने नहीं देना, इसको बाहर की तरफ निकाल लीजिए और पूरे कपड़े को जितना हमने इस साइड की तरफ रखा है उतना ही हमें इस साइड भी रखना है। ऐसे आपको निकाल लेना है और यहाँ पर अब सीधी सिलाई लगाएंगे। ये चाक की हमारी इस वाले पार्ट की तरफ सिलाई आ जाएगी। अब अगेन बूट को ऊपर करेंगे और पूरे कपड़े को सीधा करेंगे। जैसे हमने सिलाई लगाई थी वैसे ही नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा निशान है, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी फोल्ड करेंगे। ये जो कपड़ा है उसको इसके अंदर फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे।
देखिए पूरे कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और यहां पर भी बिल्कुल सीधी लाइन हमें मिल चुकी है। ये देखें पूरी यहां तक मिल चुकी है, मैं पूरी लेट गई हूं इसे बनाने में। और तो इस तरीके से करने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब यहां पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है हमें। ये देखें नीचे से भी हमारा कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं आया है और इस साइड से भी बिल्कुल बराबर हमारा ये वाला चाक मुड़ चुका है। ये देखें बिल्कुल बराबर हमारा ये चाक मुड़ चुका है। अब दूसरे वाले साइड को बताती हूँ मैं आपको, और वो भी बहुत ही आसान तरीका है। तो एक साइड हमारे ये देखें फोल्ड हो गए हैं, ये इस तरीके से आ गए हैं। अब ये वाले साइड को हमें फोल्ड करना है। सो ये सेकंड मेथड है, अगर आप बिगनर हैं तो इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पहले से ही जितना हमें फोल्ड करना है उसका निशान लगा रखा है। तो इसके लिए आप एक सीधा स्केल ले लीजिए या फिर जब आप सूट कटिंग करते हैं तभी ये निशान लगा सकते हैं आप। ये हमारी चाक वाली सिलाई है तो यहां से बिल्कुल आपको स्ट्रेट स्केल रखना है और नीचे तक बिल्कुल मिला लेना है इसे, और यहां पर हम एक सीधी लाइन बनाएंगे। ये बहुत ही इजी सा तरीका है, अगर आप बिगनर हैं तो डेफिनेटली ये काम करेगा। तो सबसे इजीएस्ट मेथड मैं आपको बता रही हूं। ये देखिए यहां पर हमने सीधी निशान बना लिया। अब आपको क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे पूरा अंदर की तरफ। अब ये जो हमने निशान बनाया है इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है आपको। अब यहां पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो बस यहीं तक ही हम सिलाई को रोक देंगे और इस सिलाई को हम हटा देंगे। जो पहला वाला मेथड है उसमें हम यहीं से ही सिलाई को घुमा लेते हैं, बट अगर आप बिगनर हैं तो ये वाला जो स्टेप है ये आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा टफ होता है, नीचे कपड़ा दब जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप पूरे को हटा दीजिए और अब ये जो हमारा साइड वाला चाक है इसको भी सेम वैसे ही फोल्ड कर लीजिए और इस पर भी हमें सिलाई लगानी है। बाद में बोलूंगी। अब यहां पे भी हम सिलाई को निकाल लेंगे। तो ये देखिए अगर आप बिगनर हैं तो भी आपका ये चाक बहुत ही फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। और ये हमारा दूसरा वाला साइड, ये देखें ये भी हमारा काफी फिनिशिंग से आएगा आएगा बट अगर आप अच्छे से स्टिच कर लेते हैं तभी आप इस वाले मेथड से बनाइए। यहाँ से भी काफी अच्छे से ये चाक हमारी आ गई है। आप यहाँ पर आई वगैरह बना लेंगे तो काफी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखें हमारे साइड्स वगैरह बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो गए हैं और ये भी आप देख सकते हैं कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और लंबाई भी हमारी बिल्कुल बराबर है। ये है हमारी चाक वाला पार्ट, तो इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लीन बना है ये। और बैक साइड से भी कुछ भी कपड़ा हमारा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं हो रहा है। तो दोनों ही मेथड मैंने आपको बहुत ही इजी बताए हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप ये वाले मेथड को ट्राई कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी फिनिशिंग से बन जाते हैं। यहाँ पर हम तुरपाई लगाए कर देंगे, हेमिंग कर देंगे तो बिल्कुल सेम ही दिखने वाला है ये पूरा। सो या गाइस इस तरीके से हमारा ये पूरा फोल्ड हो चुका है और ये हमने पिंटेक्स के साथ कुर्ती बनाई थी और ये मेरी क्लाइंट की कुर्ती है, तो बहुत ही सुंदर ये बनकर रेडी हुई है। आई होप कि आप लोगों को चाक कैसे फोल्ड करते हैं समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, और ऐसे ही आप भी फोल्ड करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाइएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, खुदा हाफिज।